हेलो 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 हम्म आवाज आ रही है आप लोग को मेरी हेलो 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 आ रही है हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हम लोगों के पास चल रहा है मे के लिए रिवीजन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए कॉस्ट एफ एम ये हमारे पास रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में हमारे पास है एम एफ में हमारी कॉस्टिंग चल रही है जिसके अंदर हम लोग दो चैप्टर कर चुके हैं एक मटेरियल एक एम्प्लॉय कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट के क्वेश्चन करवाने हैं कल और उसके बाद ओवर होगा और टी टी एस में हमारे पास एफ एम ई को चल रही है जिसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं इसका ठीक है ये सेवन ओ चलती है सेवन पी एम इसका हमारे पास टाइम फिक्स है जी बच्चे क्या कह रहे हैं जरा बच्चों की एक बार बात सुन लेते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर कल कोस्ट की क्लास क्यों नहीं हुआ सुमन पूछ नहीं है बेटा टेलीग्राम पे आप लोग कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम में हमारा नमित अरोरा क्लासेज के नाम से वहाँ पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं अगर कभी क्लास होनी है नहीं होनी है तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड रहना है नमित अरोरा क्लासेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद में हमारे पास है दिस दिस दिस, दिस। सर शादी में दिस दि दिस लगता है आठ बजे नहीं अरे कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही है यूट्यूब पे अभी लास्ट क्लास में ये दिक्कत हुई थी और अभी भी थोड़ा सा आ, दिक्कत हुई है लेकिन अब हो गया कनेक्ट आज ठीक है इसके बाद में आगे 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 कोई बच्चा कोई बच्चा दिस धि दिस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हुँ, मयूर कह रहे हैं सर पहली बार पढ़ रहा हूँ कंसेप्ट तो हो जाएगा ना बेटा पढ़ के देखो पहली बार के लिए कोई गारंटी नहीं है हाँ जी तो आप सभी को चाहिए इस क्लास के लिए एक तो नोट्स हम लोग की इस क्लासेज में पूरा कंसेप्ट होगा और कुछ क्वेश्चन होंगे पूरा हमारा फोकस रहेगा कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास जो पहला लेक्चर हो चुका है अगर किसी ने ना देखा हो प्लीज उसको जरूर देखिए बाकी आपके पास टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाएं और जिन बच्चों ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ कर लें और प्लस बेल बटन दबा दें बेल आइकन जो होता है उसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो हम लोग कब लाइव आ रहे हैं क्या रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाता है जी अब हमारे पास में जो चैप्टर है आज वो चैप्टर है चैप्टर नंबर टू ई बी आई टी इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन किया था ठीक है इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ई बी आई टी पर हैं ये जो नोट्स हैं ये नोट्स प्रिंटेबल हैं और आपके पास अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं जी अब हमारे पास में एक बच्चा कह रहे हैं ऋतिक कह रहे हैं सर हमने तो नोट्स का प्रिंट आउट भी करवा लिया बहुत बढ़िया बेटा बहुत सही करा आपने जी हम लोग के पास ई बी आई टी ई पी एस चैप्टर ये बेसिकली अगर आप स्टडी मैट में जाएंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ई बी आई टी ई पी एस एक हमारे पास पार्ट रहेगा ओके अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है इसका आप मान के चलिए फाइव टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है चैप्टर बहुत ही सिंपल है बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये चैप्टर आपको पूरे के पूरे एफ में किस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अर्निंग पर शेयर तक पहुँचते हैं इस चीज़ की नॉलेज देता है जी हमारे पास देखिए सेल्स हम किसी भी प्रोडक्ट की जब सेल करते हैं उसमें लगते हैं कुछ खर्चे जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद में आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है ये जो है, ये जो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट है 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 पूरा पूरा का चैप्टर एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका पेपर नंबर ग्रुप वन में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी कैसे आएगी सारा का सारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर है उसके बारे में आपको एफ कभी बोलेगा भी नहीं तो सेल से लेकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का पार्ट ये कॉस्टिंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एफ एम के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ई बी आई टी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसकी जगह कई लोग इसको पी बी आई टी भी बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अर्निंग पर शेयर एक शेयर होल्डर ने कितना कमाया यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसमें से माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट टैक्स एंड स डिविडेंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का काम एफ का है फिर ई से हम लोग पहुँचते हैं एम पर जिसके लिए हमें उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है पी ई रेशो प्राइस अर्निंग रेशो ये रेशो मार्केट में हमारी गुडविल के बेसिस पर डिसाइड होता है जितनी ज़्यादा गुडविल होगी आपका प्राइस उतना ही ज़्यादा होगा अर्निंग के कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ वाला पार्ट भी एफएम का ही पार्ट है एफ तो एम दो पार्ट में है कि आपको ई बी आई टी से ई पी एस तक और फिर एम पी एस तक कैसे पहुँचना है ये हमारा कंप्लीट एफ एम यहाँ पर आ जाता है तो सबसे पहले आपको सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुँचना है जिसमें आपको कुछ नहीं करता तो ये वाला पोर्शन हमारे पास है ही नहीं हमारे को सिर्फ मिलेगा ई बी आई टी क्वेश्चन पहले ही बता देगा कि आपका ई बी आई टी कितना है और उससे आपको ई पी एस और एम पी एस तक पहुँचना होगा दुनिया का इससे आसान कोई भी चैप्टर नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ ये चार आइटम इसके अंदर आपको माइनस करने होते हैं पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर प्रिशेंट डिविडेंड उसके बाद में ईपीएस से एमपीएस तक के लिए पी रेशो ये चार आइटम सिर्फ हैं जिनके बीच में आप सीधे एम तक पहुंच जाते हैं इसलिए बहुत ही ज्यादा आसान है बहुत ही ज्यादा आसान जी आ जाइए चैप्टर नंबर टू ई बी आई टी ई शुरू करते हैं बहुत आराम से देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दी जाती है सेल उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ई बी यहां तक हम पहुंच गए तो वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट आपको नहीं निकालनी क्वेश्चन खुद ही बता देगा इतनी वेरिएबल कॉस्ट है इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपको सीधे ई दे देगा कि हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इतना है ठीक है जी आ गए इसके बाद में हम सबसे पहले इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इस लॉन्ग टर्म डेट में डिवेंचर के ऊपर आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा इसके अंदर आपका अगर आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है वो आ जाएगा वो चीजें यहां पर माइनस हो जाएंगी इंटरेस्ट माइनस करके हम पहुंच जाएंगे ईबीटी का मतलब है, ये है ठीक है जी और यह है अर्निंग विफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो सबसे पहले आपके पास ईबीआईटी अर्निंग विफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया उसमें से इंटरेस्ट गया फिर आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया उसके बाद इनकम टैक्स अपना जो भी रेट होगा उससे आपसे टैक्स ले लेगा फिर आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स ये अर्निंग आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर्स की होती है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर दोनों का इसके ऊपर राइट है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का अर्निंग पर और रिडेम्पशन के टाइम पर पैसे पहले ले जाने का प्रायोरिटी राइट होता है तो सबसे पहले प्रीफ्रेंस डिविडेंड दिया जाएगा इसके बाद में बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे फिर आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर तो अर्निंग पर शेयर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कभी भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कोई ई नहीं होता उसका रीजन क्या है जैसे एक प्रीफरेंस शेयर है सौ रुपये का तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के आगे एक परसेंटेज लिखी रहती है जैसे टेन परसेंट प्रीफरेंस शेयर तो टेन परसेंट प्रीफरेंस शेयर का मतलब है कि इस प्रीफ्रेंस शेयर को टेन परसेंट मिलेगा सौ रुपये पर तो इसका मतलब इसकी कमाई टेन रुपीज होगी तो प्रीफ्रेंस शेयर का कभी ई निकालने की जरूरत ही नहीं है उसके नाम के आगे ही लिखा होता है कि वो कितना कमाएगा तो अर्निंग पर शेयर सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो ई आ गया उसके बाद में हमारे पास आता है प्राइस अर्निंग रेशो प्राइस अर्निंग रेशो कैसे बनता है पी रेशो पी रेशो बड़ा सिंपल है वो प्राइस और अर्निंग का रेशो बता देता है जैसे मान लो हमारा प्राइस ट्वेंटी रुपीज़ है और ईपीएस टू तो पी रेशो हो गया टेन टाइम्स यानी ये बताता है कि अर्निंग का कितने गुना मार्केट हमें देने को तैयार है तो जो आपकी कंपनी अगर ज्यादा गुडविल वाली है तो मार्केट में पी रेशो हो ज्यादा होगा क्योंकि आपकी कमाई के कंपैरेटिवली आपको रिटर्न बहुत ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बहुत ज्यादा होगी पी रेशो हो हाई होगा और अगर आपकी गुडविल कम है तो वो ईपीएस के कंपैरेटिवली आपकी शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा टाइम्स नहीं होगी हायर द गुडविल हायर द पी रेशो तो आपकी कंपनी की जो गुडविल है कितने सालों से काम कर रही है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है वो लॉन्ग टर्म में कितनी आगे जाएगी ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आपका पी रेशो क्या होगा तो पी रेशो आपको गिव होगा क्वेश्चन में कितना है जितना भी है तो मान लो आपका अर्निंग आ गया टू रुपीज तो पी रेशो मान लो आपका टेन है तो आपको ट्वेंटी रुपीज मार्केट में मिलेंगे आपके एक शेयर के लिए बस ये सिंपल से स्टेटमेंट के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा ई बी आई टी ई पी एस चैप्टर है ठीक है अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे को मिलेंगे वो पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे जैसे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे अर्निंग पर शेयर में मल्टीप्लाई हो जाएगा पी रेशो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको कैसे निकालने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहां चाहिए होते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको चाहिए होते हैं अर्निंग एवेलेबल फॉर इक्विटी में से डिवाइड करने के लिए तो अर्निंग एवेलेबल फॉर इक्विटी में से हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर को तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आएगा ठीक है अब आपके पास में हमारे पास ये जो इक्विटी शेयर हैं कैसे निकलेंगे बड़ा सिंपल जितने भी शेयर आपके पास ऑलरेडी हैं प्लस जो भी नए शेयर आपने इशू किए हैं तो जैसे मान लो मेरे पास टेन थाउजेंड शेयर हैं पहले से और मैंने फाइव थाउजेंड शेयर और इशू किए तो मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है न्यू इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आएगा तो जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोलेगा कि मेरे को टेन लाख रुपीज़ की जरूरत है ठीक है जी आपकी रिक्वायरमेंट है टेन लाख तो एडिशनल फंड रेज थ्रू इक्विटी आपको टेन लाख रुपीज की जरूरत है इक्विटी से अब मान लीजिए आपका शेयर टेन रुपीज का है और वो आप टेन रुपीज प्रीमियम पे दे रहे हो हंड्रेड परसेंट प्रीमियम पे सेल कर रहे हो तो इसका मतलब शेयर का इशू प्राइस ट्वेंटी रुपीज हो गया टेन रुपीज फेस वैल्यू टेन रुपीज प्रीमियम तो आपने कितने में इशू किया है वो देखा जाएगा इशू प्राइस कोई इशू करने पर खर्चा हुआ है जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हो गया कोई ब्रोकरेज दिया आपने मान लो इशू एक्सपेंस है हमारे टू रुपीज पर शेयर तो इसका मतलब आपकी जेब में अट्ठारह रुपए आएंगे एक शेयर से तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम पहले आपके पास एंट्री बनेगी ये कि हमारे पास बीस रुपए आ गए जी ट्वेंटी रुपीज टेन रुपीज शेयर कैपिटल की टेन रुपीज प्रीमियम की अब शेयर के जो इशू एक्सपेंस है इशू एक्सपेंसिज डेबिट टू बैंक तो हमारे पास दो रुपए चले गए बैंक से अब जरा देखिए बैंक में ट्वेंटी आए थे टू चले गए बैंक में आ गए एटीन रुपीज अच्छा इस शेयर इशू एक्सपेंस को हम क्या करेंगे इस इशू एक्सपेंस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ तो कर देंगे तो नेट आपकी जेब में एटीन रुपीज आ जाएगा अब मुझे बताइए आपको कितने रुपए की जरूरत है जी टेन लैक डिवाइडेड बाई एटीन रुपीज तो टेन लैख डिवाइड बाई एटीन रुपीज तो आपको न्यू शेयर 55,556 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे तो न्यू शेयर कैसे इशू करे जाते हैं बड़ा सिंपल आपके पास जितने भी एडिशनल फंड शेयर से चाहिए डिवाइडेड बाय उसमें आप कर देंगे नेट प्रोसीड और नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा नेट प्रोसीड निकलेगा इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस दैट्स इट ओके जी यह हमारे पास आ गया अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन तो आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ही मान लेंगे कि यही इशू प्राइस है यानी जितने में आपका शेयर मार्केट में बिक रहा है उतने में ही इशू करेंगे और लॉजिकल भी है मान लो मेरा शेयर दस रुपए वाला है दस रुपए फेस वैल्यू और फिफ्टी रुपीज का मार्केट में बिक रहा है तो बताइए मैं शेयर को मार्केट में नए शेयर मुझे इशू करने तो कितने करूं फिफ्टी रुपीज के जितने मार्केट में बिक रहा है उतने का मैं इशू करूंगा ओके यहां पर रुकते हैं और देखते हैं कोई बच्चे का क्वेश्चन हम्म बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट ग्रुप हो गया सेकेंड एफ एम को करवा दो बस बेटा लगे हुए हैं हाँ जी सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते चलें ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है आज का बहुत छोटा सा लेक्चर है सर नोस्ट फास्टैग वाले के जैक जैसे हैं ही तो प्रिंट करवाऊ क्या फास्ट टैग वाला जिसके पास है उसे प्रिंट की जरूरत नहीं है और इसके बाद में बच्चा कह रहे हैं सर तीन चार क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ एक आइडिए के लिए हैं उसके बाद में आपको अपनी जहां से भी आपने कोचिंग ली है या जो बुक आपके पास रेफर करते हैं उस बुक से भी करना है यहां तो कंसेप्ट पूरा का पूरा चलेगा आयुष कह रहे हैं आर्बिट्राइज वो तो बेटा बहुत आगे आएगी अभी सर एम आई आर आर आर्बिट्राइज ये सब में डाउट आते हैं तो बस बेटा रिविजन करिए जब लेक्चर आएगा उसका तो उस टाइम ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे एक बच्चा कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डाउट है बेटा जो चैप्टर चल रहा है उसकी बात करेंगे हम लोग एक बच्चा कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म में क्या इंक्लूड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म में बेटा डिवेंचर पे इंटरेस्ट और बैंक लोन पे इंटरेस्ट लिया जाएगा ठीक है ईको कब स्टार्ट होगा एफएम के बाद एक बच्चा कह रहा है सर आपसे फास्ट ट्रैक लिया था सिक्सटी टू आ गए थैंक यू सर मोस्ट वेलकम बेटा बस सबके नंबर आते रहें चाहिए जी अब जरा देखिए हमारे पास ये चैप्टर क्या सोच के बनाया गया है अब वो आपको समझना है देखो कंपनी को काम करने के लिए ज़रूरत होती है फंड्स की कंपनी बिजनेस कर रही है उसे चाहिए फंड्स ठीक है उसके बाद कंपनी इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करेगी उससे कंपनी के पास आएगा ई फिर कंपनी इस ई में से पेमेंट करेगी इंटरेस्ट की फिर टैक्स की फिर प्रिफ्रेंस डिविडेंड की और फिर बैठा हुआ पैसा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आ जाएगा ये फंड्स किससे मंगवाया गया है इंटरेस्ट किसको मिला डिवेंचर को टैक्स किसको मिला गवर्नमेंट को प्रीफरेंस डिविडेंड किसको मिला प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर की कमाई किसके लिए है इक्विटी शेयर होल्डर की फंड कहां से मिले हैं आपको फंड्स मिला है डेट से प्रीफरेंस से इक्विटी से गवर्नमेंट किस लिए है? क्योंकि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है सेफ्टी करनी है भाई मान लो कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर बम गिराने आ जाए जैसे रशिया आजकल यूक्रेन पे गिरा रहा है तो हमारे पास जो राफेल हवाई जेज अभी खरीदे हैं गवर्नमेंट ने जो पूरी सी आर पी एफ है आर पी एफ है इतनी सारी जो मिलिट्री लगी हुई है हमारे पास जो एयर फोर्स है जो नेवी है उस सबको फंडिंग करनी है सड़कें बनानी है बिजली प्रोवाइड करनी है बहुत कुछ करना है गवर्नमेंट को उसके लिए गवर्नमेंट आपकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा लेती है तो वो ठीक है वो उसके पास चला जाएगा अब ये जो फंड्स आए हैं ये डेट से प्रीफ्रेंस से इक्विटी से आए हैं देखिए साइकिल कैसे चल रही है ये आपके पास फंड्स, आप समझ रहे देखो ये साइकिल चल रही है फंड्स कंपनी को मिले उसने आगे इन्वेस्ट किया उस पर ई कमाया ई का हिस्सा इंटरेस्ट को दे दिया डेट वालों को बाकी टैक्स फिर प्रीफ्रेंस डिविडेंट और इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर की होगी इनको क्यों पैसा दिया क्योंकि इन्होंने फंड दिया था उसी फंड से तो कंपनी चल रही है इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी साइकिल हमारे चारों तरफ घूम रही है ठीक है अब हमारे सामने सिचुएशन क्या है हमें कोई नया बिजनेस करना होगा एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इसको कर सकते हैं ठीक है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी को चाहिए फंड तो कंपनी को जो फंड चाहिए वो फंड्स अभी क्वेश्चन मार्क में है क्वेश्चन मार्क में किस लिए कंपनी ये सोच रही है कि किससे पैसा मंगवाऊं तो हम क्या करेंगे ये फंड्स जो है ये जो पैसा हमें मंगवाने हैं हमारे पास इसके हम अलग अलग ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन हमें बताएगा कि ये ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव थ्री हम ये सोचेंगे कि पैसा किससे मंगवाया जाए किसी एक सोर्स से पैसा लिखेंगे उन तीनों ऑप्शन में हमारे पास ई या फिर एम कितना बनेगा ई या फिर एम पी या फिर एम तो जिस प्लान में ई या एम ज़्यादा होगा हम उस प्लान को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही है अर्निंग को बढ़ाना या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को बढ़ाना तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके सामने जिसके लिए उसको चाहिए फंड्स वो सोचेगी फंड किस तरीके से मंगवाऊं तो आपको सिंपली क्या करना है आपको सिंपली स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस और एमपीएस बनाना है अलग अलग ऑप्शन में जिस ऑप्शन में ज्यादा कमाई होगी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो ये हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो देखिए जरा सलेक्शन ऑफ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और एम न्यू कंपनी अभी नई कंपनी खुली है नई कंपनी को सोचना है कि फंड किससे मंगवाए तो नई कंपनी क्या करेगी नई कंपनी यहां पर सोचेगी कि मेरा ई बी आई टी कितना आएगा तो मेरा ई बी आई टी इतना आएगा तीनों जगह पे लिख दिया सेम अमाउंट होगी फिर उसके पास तीन केस हैं इक्विटी से मंगवाए डेट का भी प्रपोर्शन हो कुछ कुछ प्रिफरेंस शेयर का प्रपोर्सन हो ठीक है जी तो सारा पैसा इक्विटी से कुछ पैसा इक्विटी प्लस कुछ डेट से प्लस कुछ इक्विटी से कुछ प्रिफ्रेंस है ये हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया डेट वाले में से इन दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा क्योंकि डेट यहां पर है ही नहीं फिर टैक्स माइनस किया फिर ई आ गया प्रिफ्रेंस डिविडेंड माइनस किया प्रीफरेंस वाले में इन दोनों में कोई प्रिफरेंस शेयर नहीं तो कोई डिविडेंड भी माइनस नहीं होगा फिर अर्निंग फॉर इक्विटी आ गई नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दिए ई आ गया पी रेशियो मल्टीप्लाई करा आपके पास एम निकल आया जिसका ईपीएस और एम ज्यादा होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है जी इसके बाद में हमारे पास है दूसरा एग्जिस्टिंग कंपनी अगर आपकी है तब हम ई पी या एम पी पे कैसे पहुँचें अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी होती है तो उसके कुछ एग्जिस्टिंग एसेट और कुछ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज होती हैं जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है जो एग्जिस्टिंग है ठीक है मेरे पास ऑलरेडी 50 लैक्स रुपीज बिजनेस में लगे हुए हैं जिसमें से 25 फाइव लैख डेट से हैं और 25 फाइव लैख इक्विटी से हैं ये इक्विटी से और ये डेट से ये डेट 10 परसेंट पर है और मेरा एग्जिस्टिंग ई फाइव लाख ,00 रुपीज है ओके ये मेरे पास चल रहा है तो एग्जिस्टिंग ये मेरे पास रनिंग है अब मेरे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है कि ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज की और जरूरत है पचास तो ऑलरेडी है ट्वेंटी फाइव की और जरूरत है और इस ट्वेंटी फाइव लैख से मेरी ये जो फाइव लैख ,00 की कमाई है ये बढ़कर टू पॉइंट फाइव ,00 लैख मेरा ई इससे बढ़ जाएगा ठीक है अब मुझे सोचना है ये पैसा इक्विटी से मंगवाओ या फिर डेट से और डेट इस टाइम ट्वेल्व पर है ओके अब जरा देखिए मेरे पास क्या आएगा ये मेरे पास हो गया कि इक्विटी से मंगवाऊंग या डेट से नए पैसे की बात हो रही है यहां पर हम ई बी आई टी ई पी एस बनाएंगे ई बी आई टी एंड ई पी एस सबसे पहले हम लेंगे ई बी आई टी तो भाई हमारे पास तो कुछ एग्जिस्टिंग भी है और कुछ न्यू भी आएगा एग्जिस्टिंग कितना है आपके पास फाइव लैख ,00 ये तो है ही है न्यू कितना आएगा टू पॉइंट फाइव लैख अब मेरी इनकम सेवन पॉइंट फाइव लैख हो जाएगी अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर लेता हूँ तो ठीक है अब इस में से हम जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो पहले आपने ऑलरेडी जो लोन ले रखा है ये लाख के जो आपकी फंडिंग है उस पे आपके ऊपर लोन है पच्चीस लाख का उस लाख रुपए पे यानी आपको इंटरेस्ट देना है तो एक तो टू पॉइंट फाइव लेख मेरे को एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट देना है अब मैं नया वाला जो पैसा है ये देखिए ये वाला जो ट्वेंटी फाइव है वो मैं इक्विटी से या डेट से मंगवाऊ पुराने वाले जो 50 लाख हैं उसके 25 फाइव लैख तो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा आप आराम से समझिए मेरे पास एक हाउस है उस घर पे मैंने 50 लाख का लोन लिया हुआ है 10 परसेंट पर अब मैं एक न्यू कार लेने की सोच रहा हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है कि कार अपने पैसे से डाउन पेमेंट से ले लूँ या फिर लोन पर लूँ अगर लोन पर लूँगा टेन लैख की कार है तो ट्वेल्व इंटरेस्ट पर मिलेगी अब जरा देखिए अगर मैं डाउन पेमेंट करके लेता हूं तो मेरी सिचुएशन क्या होगी अगर मैं डाउन पर, परसेंट डाउन पेमेंट करके लेता हूं तो सिर्फ जो हाउसिंग लोन है टेन परसेंट और फिफ्टी लैख मुझे फाइव लैख का इंटरेस्ट देना पड़ा करेगा ठीक है और अगर मैं लोन पे लेता हूं कार तो क्या होगा अगर मैं लोन पे लेता हूं कार तो टेन परसेंट तो फिफ्टी लैख जो मकान के ऊपर इंटरेस्ट है वो तो देना ही देना पड़ेगा प्लस जो गाड़ी के ऊपर दस लाख रुपए का लोन लिया है उस पर भी मुझे 1.2 पॉइंट टू का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो 6.2 पॉइंट टू का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऑल्टरनेटिव वन पे जाऊं डाउन पेमेंट करूं तो नया लोन कोई नहीं है लेकिन पुराने पे तो देना पड़ेगा और अगर लोन वाले ऑप्शन पे जाऊं तो घर पे भी देना पड़ेगा और कार पे भी देना पड़ेगा यानी ये जो एग्जिस्टिंग फाइव लैख का इंटरेस्ट है घर के ऊपर वो तो मुझे हमेशा पे करना ही पड़ेगा अब यहां पर देखिए सेम ऐसे ही है मेरे पास फिफ्टी लैख की एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें ट्वेंटी फाइव का लोन है उस पर जो 2.5 पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट है वो तो तुम्हें देना ही देना पड़ेगा प्लस नया पैसा अगर तुमने डिवेंचर से मंगवाया ट्वेल्व परसेंट थ्री लैख आपको और देना पड़ेगा वो सिर्फ किस केस में अगर नया पैसा डिवेंचर से मंगवाओगे तो इक्विटी से मंगवाओगे तो नया इंटरेस्ट कुछ नहीं देना पड़ेगा यह है आपका एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में सिचुएशन अब जरा देखिए आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ये आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव हैं, नया पैसा इक्विटी से मंगवाएं नया पैसा डेट से या नया पैसा प्रीफ्रेंस से पुराना पैसा जैसे भी है वो अकॉर्डिंगली चलता रहेगा इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा देखिए इस सिचुएशन में आपके पास जो ई है वो आ गया एग्जिस्टिंग प्लस न्यू दोनों के दोनों के इतना ई हो गया अब इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग तो सब में माइनस होगा न्यू वाला इंटरेस्ट सिर्फ तब माइनस होगा जब आप पैसा डेट से मंगवाओ फिर ई बी आ गया आपके पास टैक्स चला गया ई ए टी आ गया अब प्रीफरेंस डिविडेंट देना है तो अगर एग्जिस्टिंग कोई प्रीफरेंस डिविडेंट है वो तो सब में जाएगा न्यू वाला सिर्फ तब आएगा जब आप नया पैसा प्रीफरेंस से मंगवाओगे तो इसके बाद आ गई अर्निंग फॉर इक्विटी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर में जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो तो सब में आएंगे नए शेयर सिर्फ किस में आएंगे नए शेयर सिर्फ इस वाले में आएंगे जब आप इक्विटी से पैसा मंगवाओ तो बाकी दोनों में नए शेयर जीरो होंगे सिर्फ एग्जिस्टिंग वाले शेयर से डिवाइड होगा ईपीएस और एमपीएस आपके पास आ जाएगा ठीक है इसके बाद में हमारे पास है इनडिफरेंस पॉइंट बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको यही मिलेगा इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब है कि हमें एक ऐसा ई चाहिए कि हमारा अर्निंग पर शेयर सेम हो जाए दो अलग अलग ऑप्शन में तो हमारे पास दो ऑप्शन है मान लो डेट से पैसा मंगवाएंगे इक्विटी से मंगवाएं या डेट से मंगवाएं या प्रिफ्रेंस से मंगवाएं तो अलग अलग ऑप्शन के अंदर एक ऐसा ई का लेवल जब हमारे पास ईपीएस दोनों जगह सेम हो जाए तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है ईपीएस सेम करना है ना आपको तो ईपीएस अंडर ऑप्शन वन और ईपीएस अंडर ऑप्शन टू इक्वल होना चाहिए ठीक है ईपीएस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास अगर हम फॉर्मूला लिखें ई में से पहले इंटरेस्ट माइनस करो फिर टैक्स माइनस करो फिर प्रीफरेंट डिविडेंड माइनस करो डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर सेम हमने सामने रख लिया अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए आपके पास ई बी आई टी आ जाएगा कि कितने ई बी आई टी आपका अर्निंग पर शेयर इक्वल होगा इसको अगर हम ग्राफ से देखें तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्विटी प्लान है और ये हमारे पास डेट प्लान है यहाँ चल रहा है हमारे पास अर्निंग पर शेयर ये चल रहा है ई बी आई टी तो देखिए इक्विटी के, के केस में तो अगर आपकी कमाई ई बी आई टी जीरो है तो ई पी एस भी जीरो होगा आपकी कमाई थोड़ी सी बढ़ी तो ई पी एस भी बढ़ जाएगा लेकिन डेट के केस में आपकी कमाई बढ़ने पे ईपीएस प्लस होगा ऐसा नहीं है बल्कि डेट के केस में आपका ईपीएस माइनस में भी हो सकता है माइनस में कैसे हो सकता है मान लो आप जीरो रुपए कमा रहे हो तो आपको इंटरेस्ट तो तब भी देना पड़ेगा मान लो एक लाख बीस हजार का इंटरेस्ट है तो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको ये देखिए ये इक्विटी की लाइन और यह है डेट की लाइन तो ये जो डेट की लाइन है ये यहां पर आएगी माइनस के वन पॉइंट तो इसका मतलब आपकी कमाई अगर आपका जीरो ई है तो माइनस के 1.2 लाख का आपको लॉस हो रहा होगा जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे डिवाइड करके आपके पास नेगेटिव ईपीएस आ जाएगा अगर आपके पास 1 लाख शेयर हैं तो आपके पास यहां पर 1.2 पॉइंट का नेगेटिव ई आएगा तो अगर आपकी कमाई जीरो है जीरो ई तो फिर आपके पास नेगेटिव आएगा डेट के केस में क्योंकि आप कुछ कमा नहीं रहे हैं लेकिन डिवेंचर होल्डर को तो तब भी आपको पेमेंट इंटरेस्ट की करनी ही करनी पड़ेगी इसीलिए इक्विटी की लाइन शुरू होती है जीरो से कि जीरो कमाओगे तो जीरो घर ले जाओगे एक रुपया कमाओगे तो एक रुपया घर ले जाओगे लेकिन डेट की लाइन शुरू होती है थोड़ी आगे से थोड़ी आगे से किस लिए क्योंकि पहले तो डेट के लिए जितना इंटरेस्ट है वो कमाना पड़ेगा अब मान लो डेट का इंटरेस्ट है वन पॉइंट तो वन पॉइंट तक आपकी कमाई जीरो रहेगी डेट के, के केस में क्योंकि सारा पैसा डेट ले जाएंगे उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे तो जो इक्विटी की लाइन है वो आपकी चलेगी 45 डिग्री पर 45 डिग्री का मतलब जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे इक्वीटी की कमाई बढ़ेगी और जो डेट की लाइन है वो फास्ट चलेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्की और डेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही ई मान लो टी आ रहा है फाइव लैख तो ये वो ई है जब आपका ई दोनों प्लान पर सेम होगा और इसको हम बोलते हैं इन पॉइंट

जिस प्लान के अंदर फाइनेंशियल फिक्स खर्चा ज्यादा होगा जैसे डेट में इंटरेस्ट का खर्चा है तो ईबीआईटी से पहले इंडिफरेंस पॉइंट वाले उस प्लान पे जाइए जहां फाइनेंशियल फिक्स खर्चा कम हो इंडिफरेंस पॉइंट के बाद वाली ईबीआईटी पर तब जाइए के केस में उस पर जाइए जिस पर फाइनेंशियल फिक्स खर्चा ज्यादा हो और इंडिफरेंस पॉइंट पर कोई भी प्लान ले लो इक्वल आपकी कमाई होगी इसे हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन अगर आपका ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन वाला ऑप्शन लीजिए अगर बराबर है तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए और अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है तो ज्यादा है तो उस पर लीजिए हाई बर्डन हो क्योंकि वो आपको अर्निंग पर शेयर ज्यादा देने लगेगा ओके जी एक हमारे पास कंसेप्ट आता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखिए फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपका इतना ईबीआईटी आपका ईपीएस जीरो हो जाए ठीक है अब जरा देखिए ईपीएस हमें जीरो चाहिए ईपीएस के लिए आपको क्या चाहिए ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर ओके अब ईपीएस हमें चाहिए जीरो एन को सामने जीरो में ले जाके मल्टीप्लाई करिए वो भी जीरो हो गया सामने क्या बचा ई बी आई टी माइनस आई यानी इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंट ठीक है अब प्रीफ्रेंस डिविडेंट सामने आ गया पॉजिटिव हो गया

इस सिचुएशन पर अगर आप इतना ही बी आई टी कमा रहे हैं कि इंटरेस्ट दे पाएं और बिफोर टैक्स प्रीफरेंस डिडेंट दे पाए पीडी डिड बाईन को बिफोर टैक्स करना तो आप फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं और आपका ईपीएस इस समय पर जीरो आएगा ओके okay जी इसके बाद हमारे पास एक केस आता है इन डिफरेंस पॉइंट केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपके शेयर्स एक बराबर हों तो क्या होगा

तो फिर ये दोनों कभी एक बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ शेयर आपके पास सेम है तो दो सिचुएशन रहती हैं। सिचुएशन नंबर वन नो ई बी आई टी विल प्रोवाइड सेम ई पी एस यानी आपके दोनों के दोनों मैच ही नहीं हो रहे दोनों अलग अलग हैं क्रॉस लगा हुआ है दोनों इक्वल नहीं आ पा रहे ऐसा कब होगा ऐसी सिचुएशन में कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा जिसकी कम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो प्लान हमेशा जीतेगा और ऐसी सिचुएशन में आपको लाइंस नजर आएंगी इस तरीके से इंटरसेक्ट तो तो सीधी -सीधी ही नहीं कर सकती कोई दिक्कत नहीं है, इनके कोई भी नहीं है। कौन जीतेगा प्लान वन जीतेगा प्लान वन किस लिए जीत रहा है क्योंकि वो ऊपर है ऊपर वो होता है जिसकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम हो ये हमेशा ज्यादा आपको और दिखाएगा और एल और आर आपको कैसे दिखेंगे Cancel, एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो पाएंगे ओके okay. दूसरी सिचुएशन एल एच एस और आरएचएस के, तो के अंदर इक्वल खर्चा हो पहले वाले प्लान में भी टेन थाउजेंड खर्चा है दूसरे वाले प्लान में भी टेन थाउजेंड खर्चा है दोनों प्लान में सेम खर्चा है तो दोनों प्लान एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ऐसी हर ई बी आई एक जैसा ईपीएस देगा आपका हर ई बी आई टी पॉइंट माना जाएगा और कोई भी प्लान डोमिनेट नहीं करेगा तो होता क्या है बाकी सारे क्वेश्चन तो हो जाते हैं सोल्व इनडिफरेंस पॉइंट में दोनों इक्वेशन को सामने रखा सोल्व हो गए लेकिन कई बार एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जो आमने सामने रखे सोल्व ही नहीं हो रहा सोल्व ना होने का रीजन कि वहां पर नंबर ऑफ शेयर सेम होंगे और एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा तो जिस प्लान में कम खर्चा हो वो प्लान आपका हमेशा उसमें जीत जाएगा और कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होगा कई बार ऐसा होगा इक्वेशन एक दूसरे के लास्ट में सोल्व ही नहीं होंगी एक बराबर हो जाएंगी बस तो अगर इक्वेशन लास्ट में एक बराबर हो जाए तो समझ लीजिए वहां पर हर इंडिफरेंस पॉइंट आपको सेम ईपीएस प्रोवाइड करेगा ठीक है जी इसके बाद हमने लिए हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो बोल दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए जल्दी से अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दीजिए हम्म 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 किसी बच्चे का कोई डाउट खटाखट खटाखट जल्दी से डाउट पूछिए फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन देखेंगे इसके बहुत सिंपल सोवर से क्वेश्चन है उसी में सब कुछ आ जाएगा ठीक है कोई डाउट नहीं आ जाइए देखते हैं देखिए सबसे पहले आरक्यू वन आरक्यू का मतलब है रिवीजन क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन वन मॉडर्न केमिकल लिमिटेड को ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज की जरूरत है यही पूरे चैप्टर का प्लान है कि ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज की हमें नीड हो रही है तो कंपनी को फंड्स की कितनी जरूरत है ट्वेंटी तो हमें हम ये सोच रहे हैं कि कि किस फाइनेंशियल प्लान को सेलेक्ट करें तो ठीक है कंपनी कंसिडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पर शेयर तो हमें अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है ठीक है इट है तीन ऑप्शन है पहला ऑप्शन बाई रेजिंग डेट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या फिर टेन लैख या फिर फिफ्टीन लैख एंड बैलेंस इन ईच केस बाई इक्विटी शेयर तो देखो ट्वेंटी फाइव लैख में से अगर टू पॉइंट फाइव लैख अपने मंगवा लिए डेट से तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लैख इक्विटी से अगर टेन लैख डेट से मंगवाए हैं तो फिफ्टीन लैख इक्विटी से और अगर फिफ्टीन लैख मंगवाए हैं तो टेन लैख इक्विटी से आपको अरेंज करने होंगे ओके कह रहे कंपनी अभी वन फिफ्टी में बेच रही है शेयर को बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन वन ट्वेंटी फाइव इन केस दर बोरोड इन एक्सेस ऑफ टेन लैख अगर आपने टेन लैख से ज्यादा पैसा मंगवाया तो फिर हमारा शेयर एक सौ पच्चीस का हो जाएगा यानी यहां पर हमने सिर्फ टू पॉइंट फाइव लैख मंगवाया तो शेयर वन फिफ्टी का रहेगा यहां भी वन फिफ्टी का रहेगा लेकिन जैसे ही टेन लैख से ऊपर आपका लोन हुआ शेयर का प्राइस वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ठीक है द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट अप टू टू फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट ओवर टू फिफ्टी टू फिफ्टी के ऊपर जो भी पैसा लोगे उस पर आपको फिफ्टीन परसेंट देना पड़ेगा ये टेन लैख तक रहेगा और ट्वेंटी परसेंट देना पड़ेगा ऊपर ओवर टेन लैख टेन लैख से ऊपर जो भी पैसा लोगे उस पर आपको ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है बहुत सिंपल होता है देखो तीनों का ही आई टी आ गया फाइव फाइव लैख अब देखो इंटरेस्ट केस नंबर वन में आप टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का लोन ले रहे हो तो परसेंट इंटरेस्ट टू फिफ्टी पर आ गया टेन लैकटी लैख का लोन ले रहे हो, तो हो तीसरे केस में तो पहले टू फिफ्टी पर टेन परसेंट फिर नेक्स्ट सेवन पॉइंट फाइव लैक पर फिफ्टीन परसेंट फिर बचे हुए और पांच लाख रुपए पर और पांच लाख रुपए ले रहे हो ना टेन लैख से ऊपर

तो टेन लैक डिवाइडी फाइव ये शेयर आ गए ये आपके पास आ गया ईपीएस सबसे ज्यादा है सेकंड वाले प्लान में सबसे ज्यादा सेकंड वाला प्लान जीत जाएगा बहुत ही आसान होता है बहुत ज्यादा आसान ओके okay. इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू बड़ा फेमस क्वेश्चन है देखिए अ कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ थ्री लैख पर एन आफ्टर मीटिंग इट्स इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑफ वन यानी कि ये अर्निंग बिफोर टैक्स है थ्री लैख कमा रहे हैं इंटरेस्ट देने के बाद अब मुझे बताइए वन ट्वेंटी का इंटरेस्ट देने के बाद थ्री लैख कमा रहे हो यानी ई बी आई टी कितना होगा इंटरेस्ट देने से पहले कितना कमा रहे हो गए फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड भाई थ्री लैख वन ट्वेंटी का इंटरेस्ट देने के बाद कमा रहे हो तो इंटरेस्ट से पहले फोर ट्वेंटी कमा रहे हो गए फोर ट्वेंटी में से वन ट्वेंटी माइनस करो थ्री लैख गए ओके जी ई बी आई टी आ गया हमारे पास फोर ट्वेंटी कह रहे हैं ट्वेल्व परसेंट के हमारे डिवेंचर हैं अच्छा अब मुझे बताओ ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर है वन ट्वेंटी का इंटरेस्ट दे रहे हो इंटरेस्ट कैसे निकला होगा ट्वेल्व परसेंट ऑफ डिवेंचर अमाउंट और इंटरेस्ट है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट वन ट्वेंटी है ये डिवेंचर का ट्वेल्व परसेंट है अगर मुझे डिवेंचर निकालना हो तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट से जा रहा है इसका मतलब डिवेंचर कितने के हो गए टेन लैख के उल्टा चलते हैं टेन लाख के डिवेंचर ट्वेल्व पॉइंट इंटरेस्ट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का आपका इंटरेस्ट आ गया ओके okay. इसके बाद कह रहे हैं टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है नंबर ऑफ शेयर दस रुपये का एक है और एट्टी थाउजेंड शेयर हैं रिटर्न रर्निंग ट्वेल्व लैक ,00 की हमारे पास ओके अब आपके पास देखिए टेन लैख के तो डेट हैं अगर हम बात करें इक्विटी की तो इक्विटी कितना है एट लैख ,00 का इक्विटी है टेन रुपीज एट एटी थाउजेंड ,00 शेयर और रिटर्न रर्निंग आपके पास ट्वेल्व लैख ,00 की है अगर मैं देखूं तो एट लैख ट्वेल्व लैख और टेन लैख टोटल आपके पास जो फंड्स अभी एग्जिस्टिंग हैं वो एग्जिस्टिंग फंड हैं आपके पास थर्टी लैख थर्टी लैख रुपए आपके कंपनी में लगे हुए हैं टेन लैख डिवेंचर में एट लैख इक्विटी में और ट्वेल्व लैख अर्निंग में ओके द कंपनी प्रपोज टू टेक अप द एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच आर समुपीज रिक्वायर्ड अब इनको फोर लैक की जरूरत है इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट जितना कंपनी इन्वेस्टमेंट पे अभी कमा रही है उतना आगे भी कमाएगी तो बताइए अभी कंपनी कितना कमा रही है फोर ट्वेंटी कितने इन्वेस्टमेंट पे थर्टी लैख ,00 पर तो फोर ट्वेंटी कमा रही है थर्टी लैख ,00 पर आगे भी उतना ही कमाती रहेगी आगे कितने पैसे हो जाएंगे आपके थर्टी फोर लैख तो बताइए थर्टी फोर लैख पे कितना कमाएगी फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी लैख पर कमा रही है तो थर्टी फोर लैख पे कमाएगी फोर लेख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आपकी कमाई आगे जाकर फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड होने वाली है ये क्वेश्चन ने उठाकर यहां पर रख दिया फोर लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड हमारा ई बी आई टी होगा ओके okay. अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो पैसा मंगवाने का तरीका है वो क्या क्या है द फंड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन कैन बी रेट आइदर थ्रू डेट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट और बाई इशूइंग इक्विटी शेयर एट पार आपको फंड मंगवाने के दो तरीके हैं या तो लोन पे मंगवा लो ट्वेल्व परसेंट पर या फिर इक्विटी से मंगवा लो ठीक है तो हमारे पास ई बी आई टी आ गया फोर सेवेंटी सिक्स अब इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग वन ट्वेंटी तो जाएगा ही जाएगा हर केस में नया वाला ट्वेल्व परसेंट ऑन फोर लैक जाएगा अगर आपने पैसा डेट से मंगवाया तो यहां पर नहीं जाएगा ओके ईबीटी आ गया टैक्स आ गया ई आ गया और डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर आपके पास अभी एटी थाउजेंड शेयर है तो एग्जिस्टिंग शेयर एटी थाउजेंड ये आ गए यहां पर भी आ गए अब न्यू शेयर हमें फोर लैक मंगवाने हैं दस रुपये का एक शेयर है फोर्टी थाउजेंड शेयर इशू करने पड़ेंगे किस केस में अगर पैसा इक्विटी से मंगवाओगे तो तो यहां पर ये वाले शेयर और आ जाएंगे यहां पर नहीं आएंगे तो वन फिफ्टी फोर को एटी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे और वन सेवेंटी एट को वन ट्वेंटी से ईपीएस आ गया आपके पास वन पॉइंट नाइन टू फाइव यहाँ पर ज्यादा ये प्लान हमारा फाइनल हो जाए तो डेट प्लान हमारा जीत गया इससे हम पैसा मंगवाएंगे ओके जी इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो ईबीआईटी है वो 52 लाख ,00 है डिवेंचर का इंटरेस्ट 12 लाख ,00 है 12 परसेंट से तो मैं डिवेंचर भी बता दूं आपको यहां पर कितने होंगे 12 लाख ,00 का इंटरेस्ट 12 परसेंट से है इसका मतलब आपके पास 1 करोड़ के डिवेंचर हैं 1 लाख 100 लाख के डिवेंचर हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया इनकम टैक्स आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टेन रुपीज एट इच एट लैख रुपीज तो इक्विटी इसका मतलब आपके पास एट्टी लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हुए हैं आपके पास अर्निंग पर शेयर 2.5 आ गया पी रेशो -E गया 10 मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया ट्वेंटी द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट अब नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रिक्वायरिंग अ टोटल कैपिटल आउटले ऑफ फोर्टी लैख हमें फोर्टी लैख की और जरूरत पड़ने वाली है भाई साहब अभी कितने हैं आपके पास यहाँ पर नोट में लिखा है कि रिटेन अर्निंग 1.2 करोड़ की और है हमारे पास तो हम पे डेट है 100 हंड्रेड लैख का हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं 80 लैख के और हमारे पास रिटेन अर्निंग है ट्वेंटी लैख की इसका मतलब हमारे पास टोटल थ्री हंड्रेड लैख थ्री करोड़ रुपए अभी है ओके okay. कह रहे हैं फोर्टी लैख की जरूरत हो रही ठीक है जी यू आर इंफॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशो डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी हायर देन थर्टी फाइव परसेंट होगा तो के ई ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट हो जाएगा जिसका मतलब है कि पी रेशो एट रह जाएगा तो अगर आपका डेट इक्विटी रेशो थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा हुआ तो आपका पी ई रेशो हम एट लेंगे तो जो भी आपका ई पी एस आएगा उसमें हम पी ई रेशो टेन की जगह एट से मल्टीप्लाई करेंगे अभी पी ई रेशो हमारा टेन चल रहा है द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट फोर्टीन परसेंट ये जो फोर्टी लैक है ये हमारे को फोर्टीन परसेंट से बैंक से मिल सकता है ठीक है जी द एडिशनल अमाउंट फाइंड आउट प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर इफ द एडिशनल फंड्स आर रेड एज लोन अगर हम पैसा डेट से मंगवाते हैं तो फोर्टीन परसेंट डेट से 40 लाख मंगवा लो दूसरा अमाउंट इज इड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर अगर इक्विटी शेयर से मंगवाते हैं तो ठीक है अब क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि इस 40 लाख को लाने के बाद क्या होगा तो हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन साइलेंट है तो जितना हम अभी कमा रहे हैं उसी रेट से आगे भी कमाएंगे तो हम फिफ्टी टू लैख कमा रहे हैं थ्री हंड्रेड पर तो फोर्टी लैख और जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे थ्री फोर्टी लैख थ्री फोर्टी लैख पर कितना कमाएंगे 42 टू डिड विथ थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई विथ थ्री फोर्टी तो हमारी कमाई होगी 58.93 तो 58.93 बार लैक्स हम कमाएंगे तो हमने यहां पर सबसे पहले अपनी कमाई ले ली 58.93 एट ओके अब इंटरेस्ट की बात करते हैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ट्वेल लैक तो आपको देना ही पड़ेगा अगर नया पैसा आपने डेट से मंगवाया तो 40 लाख पे पर 14 परसेंट इंटरेस्ट आपको और देना पड़ेगा वो भी आ गया हमारे पास आ गया यहां पर ई ये स्टडी मैट के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे या फिर एग्जाम में हुए ईबीटी के बाद में टैक्स चला गया प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स टैक्स आ गया प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है तो अभी हमारे पास है एट लैख शेयर आपका शेयर बाजार में कितने का बिक रहा है ट्वेंटी फाइव रुपीज का कितने रुपए की जरूरत है फोर्टी लैख फोर्टी लैख की जरूरत है ट्वेंटी का एक शेयर है कितने रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो आपके पास एट लैख ,00 के ऑलरेडी के और इशू हो गए नाइन सिक्सटी हमारे पास आगे फोर फोर अब हमें चेक करना पड़ेगा पहले पीई रेशो तो सबसे पहले वाले केस में हमारे पास अगर आप फोर्टी ,00 लैख लोन पे मंगवाते हो तो क्या होगा अगर आप फोर्टी लैख ,00 लोन पे मंगवाते हो तो डेट इक्विटी रेशो रहना है अब डेट आपके पास कितना हो जाएगा वन करोड़ का डेट पहले से था फोर्टी लैख ,00 का और हो गया तो वन करोड़ फोर्टी लैख ,00 का डेट हो गया डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी बोला है, ने. में लेना है. तो डेट तो तो अच्छा, like तो कितना रहेगा तो सिर्फ वन करोड़ का रहेगा क्योंकि नया पैसा कोई लोन पे नहीं आ रहा तो हमारा रहेगा ट्वेंटी तो पी रेशो यहां पर हमारा रहेगा टेन और ये थर्टी से ऊपर चला गया तो पी रेशो -E हमारा हो जाएगा एट तो यहां पर हम एट से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर टेन से यहां शेयर का प्राइस हो गया ट्वेंटी फोर यहां ट्वेंटी रुपीज का प्राइस ज्यादा है वो प्लान प्लान जीत जाएगा, तो हमारा इक्विटी इस 4, 4. क्या कह रहे थ्री फाइनेंसिंग प्लान, की इन्फॉर्मेशन फॉलो टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेट टू लेख हमें दो लाख रुपए की जरूरत है फाइनेंशियल प्रपोर्शन दिए हुए इक्विटी से सारा पैसा मंगवाएं तो टू लैक इनसे मंगवाएं बी आधा पैसा इक्विटी से आधा पैसा डेट से सी आधा पैसा इक्विटी से और आधा पैसा डेट से ठीक है ये मैंने पैसे लिख दिए तीन ऑप्शन है हमारे पास इंटरेस्ट का रेट एट परसेंट है प्रीफ्रेंस शेयर का रेट एट परसेंट है टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू टेन रुपीज़ है लेकिन टेन रुपीज प्रीमियम पर इशू होगा यानी इशू प्राइस ट्वेंटी रुपीज़ है एक्सपेक्टेड ई बी आई टी एटी थाउजेंड है आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर हर केस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और आपको बताना है कि क्या कोई प्लान डोमिनेट कर रहा है और ई रेंज निकालनी है इन डिफरेंस पॉइंट की ठीक है जी ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़े ऐसे सब कुछ आ जाएगा आपका अब देखिए सबसे पहले हमारा ईबीआईटी आ गया एट्टी एटी हमारे पास पहले वाले केस में सारा पैसा इक्विटी से कोई इंटरेस्ट नहीं लास्ट वाले केस में आधा इक्विटी से आधा प्रीफरेंस से कोई इंटरेस्ट नहीं सेकंड वाले केस में वन लेख आप लोन पर मंगवा रहे हो तो एट परसेंट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा तो एट थाउजेंड इंटरेस्ट यहां पर आ गया बी ऑप्शन में फिर हमारे पास ईबीटी आ, आ, आ गया टैक्स आ गया ईएटी आ गया ईएटी के बाद में पहले वाले केस में सारा पैसा इक्विटी से दूसरे वाले में इक्विटी और डेट से तीसरे वाले में इक्विटी और प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस शेयर पर एट डिविडेंड का रेट है तो यहां पर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा तो यहां पर कोई डिविडेंड नहीं यहां कोई डिविडेंड नहीं यहां डिविडेंड आपको देना पड़ेगा ये हमारे पास आ गए अवेलेबल

तो पहले वाले केस में ना इंटरेस्ट है ना पी है तो जीरो हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट दूसरे वाले केस में इंटरेस्ट है पीडी नहीं है तो जितना इंटरेस्ट है वही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो गया तीसरे वाले केस में इंटरेस्ट कुछ नहीं है पर पीडी है और पी है तो उसे वन माइनस टैक्स करना पड़ेगा तो पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स सिक्सटीन थाउजेंड आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इसके बाद है हमारे पास लास्ट पॉइंट इन डिफ्रेंस पॉइंट निकालने सबके बीच में निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी बिटवीन बी एंड सी बिटवीन ए एंड सी सबके बीच में तो सबसे पहले ए और बी के बीच में निकाला आमने सामने रख दिया ई बी आई टी सिक्सटीन थाउजेंड आ गया कोई दिक्कत नहीं थी ए और सी के बीच में निकाला आमने सामने रख दिया थर्टी टू थाउजेंड आ गया कोई दिक्कत नहीं अब जरा देखिए यहाँ शेयर टेन थाउजेंड थे यहाँ फाइव थाउजेंड थे सोल्व हो गया यहाँ टेन थाउजेंड थे यहाँ फाइव थाउजेंड से सोल्व हो गया नंबर ऑफ शेयर सेम नहीं है लेकिन बी और सी में शेयर सेम है बी और सी के, के केस में नंबर ऑफ शेयर सेम है तो यहाँ पर आपके इंडिफरेंस पॉइंट की दो सिचुएशन होगी या तो कोई भी आएगा RHS. बड़ा सिंपल है। इसमें चेक कर लो खर्चा में ज्यादा है यहां फोर थाउजेंड माइनस हो रहे हैं यहां एट थाउजेंड इसमें खर्चा ज्यादा है इसमें कम है जिसमें खर्चा कम है वो प्लान डोमिनेट करेगा तो यहां पर प्लान बी डोमिनेट करेगा प्लान को बहुत ही सिंपल बहुत ही ज्यादा आसान और ये बढ़िया क्वेश्चन है सीधा सीधा आ सकता है टेन मार्क्स में ये हमारे पास पूरा चैप्टर खत्म सारे क्वेश्चन खत्म किसी को किसी भी तरीके का डाउट हो तो बताइए इसी तरीके के छोटे छोटे से एक एक घंटे के सेशंस में हम पूरी एफ और ई को निपटा देंगे टी, -टी में एफ एम ई को चलेगी सात बजे और एमडब्ल्यू एफ में आपकी चलेगी कोस्टिंग सात बजे इसमें पूरा कंसेप्ट भी आएगा क्वेश्चन भी आएंगे अब इसको करने के बाद आप जिस भी बुक को रेफर करते हो उस बुक को उठा के देख लीजिए और क्वेश्चन बनाने शुरू कर दीजिए पूरा चैप्टर आपका मिनटों में खत्म हो जाएगा जी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मैं बैठा हुआ डाउट बताने के लिए और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल है सी ए नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लास के नाम से उसे भी सब्सक्राइब कर लें जो जो बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं पूछते जाएं मैं वन बाई वन सबके बताने शुरू कर रहा हूं जी वन मिनट प्लीज सर क्वेश्चन थ्री में थोड़ा सा ज्यादा करा देना नेक्स्ट क्लास फिर ट्यूसडे को होगी एंड सर वो ई e को आप जो नोट्स दोगे वो अलग होंगे या लास्ट अटेम्प्ट वाले लास्ट अटेम्प्ट वाले जैसे ही होंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में बच्चा कह रहा है रिपीट बेटा आप पॉइंट बताना पड़ेगा आपको कि क्या पॉइंट आप इसमें जानना चाहते हो पॉइंट बताना पड़ेगा बाकी एक बार आप नोट्स से पढ़ो नोट्स में सारी एक्सप्लेनेशन है इसकी ना फुल एक्सप्लेनेशन एक एक वर्किंग नोट के साथ दिए एक बार नोट से पढ़ो तो भी समझ में आ जाएगा सर एस एम प्लस आर टीपी कर लें तो काफी होगा उसके साथ आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारा एफ एम ई को क्रैकर भी ले सकते हो टैक्समैन का उसमें सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर न्यू ई बी आई टी का रेट निकालना है वो कैसे पता चलेगा अगर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि पैसा मंगवा रहे हैं हम लेकिन ये नहीं कह रहा कि ई बी आई टी में कोई फर्क है तो इसका मतलब भाई एक बात बताओ जब मेरे तीन करोड़ रुपए लगे हुए हैं मैं लाख रुपए बिजनेस में और लगाऊंगा तो वो चालीस लाख का इन्वेस्टमेंट भी तो मुझे कुछ कमा के देगा तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे करोड़ रुपए अगर बीस परसेंट के हिसाब से सिक्सटी लाख दे रहे हैं तो वो फोर्टी लाख भी बीस परसेंट के हिसाब से एट लाख रुपए देंगे ये मानेंगे कि सेम रिटर्न वो भी देगा वरना पैसा क्यों लगाऊं मैं बिजनेस में मुझे बताओ मेरी कमाई नहीं बढ़नी तो मैं पैसा क्यों लगाऊंगा जी डिफरेंस इन केस ऑफ अनईक्वल शेयर सर रिपीट कर देगा बेटा अनईक्वल में तो कुछ होना ही नहीं है सीधे इक्वेशन रखनी है सोल्व करनी है, आ जाएगा आंसर सर मैंने पी वाई क्यू सोल्व कर लिए हैं काफ़ी एक है क्या नहीं बेटा पी वाई क्यू सोल्व कर लिए हैं तो स्टडी मटेरियल साथ में आपको करना पड़ेगा प्लस आर टी पी एम टी पी देखो स्टडी मटेरियल आर टी पी एम टी पी और पास्ट क्वेश्चन ये सोल्व करने हैं सर जी कौन कौन से चैप्टर में न्यू क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस होंगे कोई नया क्वेश्चन नहीं है पूरे के पूरे स्टडी मेट में जो भी नए क्वेश्चन आने थे वो पहले ही आ चुके थे लास्ट अटेम्प्ट में और वो सारे हमने अमेंडमेंट के नाम से यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं और जो नए क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर अपलोड किए हुए हैं अमेंडमेंट के नाम से मिल जाएंगे आपको आप डालना अमेंडमेंट नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे प्लस यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएगी उसकी सर एफ का मॉड्यूल सोल्व कर लेना इनफ होगा विक्रम कह रहे हैं बेटा वही बिल्कुल चीज कि एस एम का जो एफ एम का आप स्टडी स्टडीमेट करोगे उसके अलावा आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करना होगा सुधांशु सु कह रहे हैं सर पी 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 वाला पॉइंट बता बेटा ratio, जो चैप्टर है उसके अंदर वैसे आएगा सिंपल प्रॉफिट अर्निंग रेशो प्रॉफिट में आपके पास सॉरी प्राइस अर्निंग रेशो तो प्राइस का मतलब एमपीएस अर्निंग का मतलब ईपीएस ईपीएस आप निकाल सकते हो ईपीएस कौन निकालेगा वो कंपनी निकाल लेगी आप निकाल लोगे पर मार्केट प्राइस कौन डिसाइड करेगा वो सेंसेक्स पर डिसाइड होगा सेंसेक्स पर मार्केट प्राइस डिसाइड होगा आज आपका प्राइस कितना चल रहा तो है, है तो मान लो आपका ईपीएस है दस रुपए और सेंसेक्स पर आपका शेयर सौ रुपए में बिक रहा है तो पी रेशो आपका हो गया टेन टाइम्स आपकी कमाई से टेन टाइम्स ज्यादा पर आपका शेयर बिक रहा है तो एमपीएस सेंसेक्स पर दिखता है तो आप अपनी ईपीएस से उसको कंपेयर कर लेंगे आपके पास पी रेशो -E आ जाएगा इसके बाद में एक बच्चा पूछ रहा है मैम कैसे मैम एकदम मस्त मौज में सर प्लीज क्वेश्चन थोड़ा स्लो करवाना नेक्स्ट क्लास में बेटा एक बार पीछे करके आप देख लो ज्यादा इससे थोड़ा स्लो करते हैं तो बच्चे फिर ये कहते हैं कि बहुत स्लो हो रहा है फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि रिवीजन में बच्चों को जस्ट एक बार ओवरव्यू देखना होता है कंसेप्ट बिल्कुल आराम से चलेगा क्वेश्चन आप एक बार पीछे वीडियो करके दोबारा से देख लो सर एफ क्वेश्चन का लास्ट डे रिविज प्रिंट करा लूँ इज इट सफिशियंट वो बेटा एग्जाम के लिए देखो आप इस बात को समझते नहीं हो कि लास्ट डे रिविजन का क्या मतलब है लास्ट डे रिवीजन का मतलब है एग्जाम से एक दिन पहले कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं तो वो बिल्कुल सफिशियंट है अगर आपने उससे पहले पूरी पढ़ाई करी हुई है अगर आप सोच रहे हो कि आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और लास्ट डे रिविजन हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा लास्ट डे रिवीजन का मतलब है रिवीजन का मतलब है कि आप पहले पढ़े हुए हैं रिवीजन में क्या करें तो लास्ट डे रिवीजन रिवीजन के लिए एग्जाम से एक दिन पहले परफेक्ट है और उसको करके आपके नंबर भी आएंगे लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी हुई तो फिर नहीं होगा वो रिवीजन क्वेश्चन है सिर्फ इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन सर एफ एम ईको क्रैकर सफिशियंट है क्या बिल्कुल नहीं है उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल करना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा आर टी पी और एम टी पी सर कैपिटल बस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बेटा जो रिविजन सेशन आएगा उसको अटेंड करिएगा फायदा मिलेगा क्वेश्चन थ्री में इंडिफरेंस पॉइंट का लास्ट पार्ट बता दो क्वेश्चन नंबर थ्री में इंडिफरेंस पॉइंट का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में तो इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं बेटा इसमें इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं आप क्वेश्चन गलत बता रहे हैं क्वेश्चन देखिए कौन से क्वेश्चन की बात करें फोर्थ की बात कर रहे होंगे आप फोर्थ के अंदर लास्ट पार्ट यह है कि अगर कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट की इक्वेशन मैच ना हो तो दोनों में से कोई एक ही प्लान बेहतर होता है प्लान कौन सा बेहतर होगा जिसमें खर्चा कम है इसमें चार हजार का खर्चा है तो ये बेटर है इसमें आठ हज़ार का खर्चा है तो ये बेकार है जो सस्ता वो अच्छा सर ओनली इको फास्ट ट्रैक मिल सकती है क्या मिल जाएगी बिल्कुल आप लोग हमारी वेबसाइट पे से नंबर लेके उस पर मैसेज कर देना आपको मिल जाएगी सर एक बार वो थ्रू करा है आर टी भी कर लूँगा और आपकी टेस्ट बुक तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इसके अलावा आप लोगों के पास नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करके इनको सेव कर लेना उसके बाद में जैसे अब हमारा नेक्स्ट होगा आज के दिन है सैटरडे <coughs> तो ट्यूजडे को लीवरेज होगा तो एक बार लीवरेज को देख के आइएगा इसके क्वेश्चन को देख के आइए क्वेश्चन अगर आप देख के आएंगे तो जैसे मैं क्लास में करवाऊंगा तो आपको करने में बहुत आसानी होगी जल्दी जल्दी हो जाएंगे आर के होने चाहिए जितने के आपको मिल जाए चार से पांच अटैम्प के तो होने ही चाहिए इतने कम से कम तो ये हमारा खैर यहाँ पर हम सेशन एंड करते हैं और आपके पास और भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा ट्यूसडे को हम लोग करेंगे लीवरेज सेवन ओ होगा और मंडे हम लोग करने वाले हैं कोस्टिंग के अंदर लेबर के कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे और देखेंगे ओवरहेड भी स्टार्ट कर पाए तो वो भी स्टार्ट करेंगे ओके जी सबको डाटा बाय बाय